रजिस्टर्ड मेंबर्स में हो, ठीक है, यूनियन पैन कार्ड वगैरह, पैन कार्ड हाँ ठीक है, एड्रेस प्रूफ वगैरह अपनी पर्सनल फोटोग्राफ दे देना इंस्टीट्यूट, ठीक है, दो फोटोग्राफ और दो फोटोज आप खींचिए पासपोर्ट साइज, एक आपके पैन कार्ड की कॉपी है, ठीक है, वो चीज़ें चाहिए साथ में 25,000 रुपये जी डी पी क्राफ्ट या चेक या कैश जो आप जो भी मतलब देना चाहिए जो भी देना, ठीक है, 25,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें मेरे को एक चीज़ और बताइए, शुरू से एक बार सारा प्रोसेस ये तो मेरे को समझ आ गया, अब आ रहा है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दिए बच्चों को कैसे कैसे क्या क्या है। बच्चा आपको आप उसे आर ए एस, ठीक है, आर ए एस क्या है, क्या हाँ मैंने सुना नहीं सर, बिल्कुल सही बात है, तो आपको पहला जवाब होगा कि आर आई एस जस्ट लाइक एन आई एस की तरह एक बोर्ड है, बोर्ड है जो कि ओपन स्कूलिंग करा रहा है, ओपन स्कूलिंग के लिए उसको ग्रांट मिली होगी, ग्रांट कहाँ से मिली होगी अगर उसको, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ग्रांट कहाँ से मिली है, ग्रांट इसको मिली है छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल से, छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल से, आपको ये दिखा मेरे को एक प्रिंट भी दे देना, उसको प्रिंट भी ले चीज़ें मैं बताता दूंगा आपको, चीज़ें उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने कहा वहाँ चले जाओ वो बता देंगे, ऐसा है मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ और चीज़ें देता हूँ, ठीक 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 साइड पे नाम है कॉप्स का नाम है, ये कॉप्स का मेंबर है, ये इसकी छत्तीसगढ़ आर आई एस के एसोसिएशन का लेटर है जिसमें उसने बताया क्या करिकुलम फॉलो होगा, कैसे मार्कशीट आएगी, कैसे कैसे चीज़ें, ठीक है, कॉप्स का मेंबर है और जो कॉप्स का मेंबर होता है, जो कॉप्स का मेंबर है उसको हर बोर्ड पर इसके लिए responsible for verifying genuineness recognition of school education boards in India. It grants membership to the board institute that are set up by an act of parliament or state legislature or an executive order of central state government and follow the NCA. The certificate issued by its member board are equivalent to any other board of इसने ये चीज क्या ठीक है ठीक तो इसकी वैलिडिटी यहाँ पर पूरी ठीक है सर ये सबको कॉपीज ले लीजिए इसकी ये आप बच्चा फिर इसके बाद पूछेंगे सर इसके पेपर कब कब होंगे पेपर इसके सर साल में दो बार होंगे ठीक है टेंशन नहीं है एक इसका सेशन लगेगा मई जून ठीक है एक इसका लगेगा नवंबर ठीक है अप्रॉक्सीमेटली ओपन के पूरे एक महीने बाद ठीक है ठीक है ना जैसे एन आई यू एस का चलता है उससे पूरे एक महीने बाद इसके सेशन ठीक है फिर बच्चा पूछेगा सर इसका रिजल्ट कितने दिन में आ जाए बच्चा अपना पेपर देगा सर तो 30-40 डेज में इनका रिजल्ट आ जाएगा ऑनलाइन ठीक है और आने वाले 20-25 दिन में इनको मार्कशीट इशू होगी
बच्चे सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है, वो 20 बच्चे से रिपोर्ट ले लेंगे इसके बाद, मतलब मार्कशीट से उसका काम चले और प्रोविजन हम दे देंगे। ठीक है ना सर, जो 20 से बच्चे सर्टिफिकेट इतने आपको मार्कशीट के साथ जो है वो प्रोविजनल दे देंगे। ठीक है सर, ये हो जाता है पूरा। अब बच्चा पूछेगा सर अगर मैं करता हूँ और नहीं चला तो, बच्चे ने बच्चे ये भी पूछेगा आपसे कि सर अगर मैं कर लिया, आप कह रहे हो वैलिड है, नहीं चला के, इसकी वैलिडिटी में सर अभी तक तो कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। ठीक है, और अगर होता है तो हर किसी ने कहा हुआ है कि जो ये लेटर दिखाया है कि जो मेंबर ऑफ कॉप्स है वो मानना पड़ेगा, क्योंकि पीछे भी केस हुआ था NIUS के एक बच्चे को मना कर दिया था MBBS में एडमिशन के लिए MCA मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो डेट स्टूडेंट गोज टू द कॉप्स, वो गया कॉप्स के पास, तो NIUS को अच्छा तो MBBS कर ही नहीं सकता है, MBBS की कंडीशन के अंदर है कि वो रेगुलर ही मांगेंगे। नहीं सर नहीं मांगते हैं NIUS सर, कॉप्स ने ऑर्डर कर चुका है। अरे MCA की कंडीशन है सर, किसकी? MCA वालों सर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर है आपकी, फार्मेसी में आज भी नहीं जाता। MCA recommend the following syllabus for national entrance test for MBBS across the country. Review of various state syllabus given by CBSE, NCERT and COPS. जो ये तीन चीज़ें प्रे करती हैं उनको ये मानना पड़ेगा कॉन्फिडेंट। ठीक है ना सर, तो ये चीज़ है, तो कॉप्स ने उसको कहा कि भाई लेते क्यों नहीं, तो फिर उसने ऑर्डरेशन किया था कि NIUS का आएगा तो आप मना नहीं कर सकते, आपको लेना पड़ेगा। ये चीज़ है, इसके बाद आप ये सर मेरे को फीस कितनी लगेगी और बच्चे की पासिंग का सीन क्या रहेगा? फीस पीछे फीस 10th के लिए अकेडमिक स्टूडेंट के लिए 5,530 रुपये आते हैं, 12वीं के लिए 6,600 फीस है। ठीक है सर, इस फीस के बाद बच्चा पूछेगा सर ठीक है सर ये फीस दे देते सर के पास, अभी सर जैसे पहले सेशन है तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, श्योर शॉर्ट पास हो गए, आप गारंटी पास करके ले सकते हो। ठीक है, गारंटी पास के रेट पर तो अकेडमिक सेंटर इसीलिए दे देता है, ठीक है ना, वो आप जाने के बच्चे को एक चीज़ कोशिश करना, बच्चा ये कहे कि नहीं आऊँगा, उसे कोशिश ये करना कि उसकी प्रेजेंट मस्ट रखें। ऑनलाइन के लिए वो बता रहे थे ऑनलाइन सर, ऑनलाइन के लिए क्या है, हमने अभी ऑनलाइन हमारी मीटिंग से भी 3 तारीख है, तो वो ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए वो कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने आज तक कंप्यूटर की शक्ल भी नहीं देखी, वो कैसे पढ़ेंगे? भाई लिखने वाला तो लिखवा देगा पेपर, तो हमने कहा कि ऑफलाइन करवाएंगे, हमारी इंस्टीट्यूट पे चलती है ज़्यादा ऑफलाइन ही होगा, इस सेशन सेशन से ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन ईजी है, और अगर आपको किसी चीज़ को सक्सेस करना है तो ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन करोगे तो ज़्यादा जल्दी सक्सेस होगा, क्योंकि रिजल्ट बेनिफिशियली आएगा। ये चीज़ बहुत प्यारी जाएगा, इसमें मेरा शेयर क्या होगा? इसमें सर आपको इसमें कोई शेयर नहीं है, वही फीस भरे जो बोर्ड पर जाएगी, और इससे ऊपर आप बच्चे से जो ऊपर देते हो उसके 10 लोग 12 लोग जैसा बच्चा वैसे ले लो। ठीक है, आपको लगता है पे कर सकता है 15,000 रुपये, हम उसमें आपको क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, उसके लिए कोई लेटर वेटर इशू होगा आपकी तरफ से, वो किस तरह का होगा, स्पेसिमेन होगा कोई? अभी अभी करके दिया मैंने, अभी मेरे पास आया, जैसा लेटर आपको इशू होगा। जीरोक्स होगी इसकी सर? ये जीरोक्स है ओरिजिनल है सर, ये जीरोक्स करा दीजिए, मतलब स्पेसिमेन कॉपी मिल जाए किसी का भी हो, मैं निकाल के दे दूँ तो आपको उसमें उस पर स्टैंप नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं, या इसी की जीरोक्स करा दीजिए, फोटो कॉपी हो जाएगी ना इसी की। रवि इसको फोटोस्टेट करके तो आपका सिर्फ RIUS का ही वर्कआउट है सर? सर RIUS का है, बाकी थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी भी देखते हैं। यूनिवर्सिटी कौन कौन सी देख लेते हैं सर? सर पहले तो नीलम कर रहे थे, CMJ भी होते हैं, नीलम ने बड़ा जीवन दिया हमको। क्या हो गया तो सर आपको भी पता, सामान नहीं आए बच्चों के, वहाँ मानव भारती जाते हैं, मानव भारती
कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन है ना बोर्ड की तरफ ज़्यादा हो गए, उससे धरती से अच्छा ये काम कर लो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ बैठ गया मुझे दिल्ली में बनाओ 40-50 सेंटर, फिर उनके थ्रू काम करो। कितने हो गए होंगे अभी तक अंदाजन? मेरे को मिल गए 16-18 सेंटर। 16-18 सेंटर ये दिल्ली NCR में या फिर बाहर ऑल ओवर इंडिया में? नहीं नहीं सर दिल्ली, मैं काम RC दिल्ली हूँ। अच्छा RC दिल्ली, उसके लिए 5 लाख रुपीज़ देने पड़ते हैं। आप ही का नंबर आप एडवोकेट है तो फिर मतलब इस लाइन में क्यों रखे हैं? मतलब नीचे कोर्ट में जाने का, 2 दिन कोर्ट में गया, 3rd दिन यहाँ आगे बैठ गया। अभी नहीं किया मैंने, देखा अभी नहीं है भैया, वैसे थोड़े खुले तो हमारे सफेद पड़ गए, इज्जत तो करेंगे हम। सर्कल की सेट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा मार्केट। बार काउंसिल से अप्रूव होता होगा, आप तो खड़े होते होंगे कोर्ट में। हाँ हाँ बिल्कुल, सब चीज़ें अभी ये मन नहीं किया। वो कहते ना जब आदमी का दिमाग घूमता तो कुछ नहीं करता, और आगे तरक्की जब करता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। तो आप मेरे को बना देना, आप स्टैम्प लेके आ जाना, मैं यहाँ पे फाइलिंग कर दूँगा। तो बात मुझे तो बस स्पेसिमेन चाहिए।